व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अनबॉक्स फिटनेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें मसल बिल्डिंग करनी चाहिए पहले या फिर फैट लॉस करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरी उसके बारे में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है कि उन्हें पहले मसल बिल्डिंग करनी चाहिए या फैट लॉस करना चाहिए। तो पहले आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको पहले क्या करना चाहिए, फैट लॉस करें या मसल बिल्डिंग करें। अगर वन पर्सन जिम जा रहा है तो उसका मेन मोटिव होगा वो उसकी फिजिकल लुक ज़्यादा बेटर दिखे। तो फिज़िकल लुक ज़्यादा बेटर दिखाने के लिए क्या होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा थिन है तो वो पहले मसल बिल्डिंग करेगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा थिक है यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें फैट है तो वो अपना पहले फैट लॉस करेगा फिर मसल बिल्ड करेगा। तो अक्सर लोग बात आती है कि कई लोगों का फैट जो होता है लोगों को लगता है मॉडरेट में है, मगर असल में उनका फैट बहुत ज़्यादा होता है। अगर वन पर्सन अगर वो क्लोथ्स में है तो उसको सामने वाले इंसान को नहीं दिखेगा कि उसका फ़ैट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका फ़ैट असल में ज़्यादा होता है। वो स्किनी फैट जो मैं कहूँगा, स्किनी फैट तो नहीं होता मगर उसका फ़ैट ज़्यादा होता है। तो अगर वो मसल बिल्डिंग की तरफ जाता है तो मसल बिल्डिंग जो अगर वो करना स्टार्ट करेगा तो वो बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा उसके लिए। मैं बताता हूँ आपको कैसे है। अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 18% 20% है 22% है जो कि बहुत ज़्यादा फैट परसेंटेज होती है, मगर फिर भी आप लीन दिखते हो तो भी आपका जो फैट, तो भी आप अगर मसल बिल्ड कर रहे हो, मतलब कि अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 20% है मान लीजिए, फिर और तब आप अगर मसल बिल्डिंग के लिए जाते हो, क्यों? क्योंकि आपका जो अंदर का स्ट्रक्चर है मसल का वो छोटा है, लेकिन आपका जो फैट है वो फैट की वजह से आप जो दिख रहे हो, आपका जो फिज़िकल लुक है वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है और अगर आप मसल बिल्ड करते हो तो आप अपनी बॉडी में फ़ैट को और ज़्यादा बढ़ाओगे। अगर बॉडी में फ़ैट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, आप बल्कि दिखोगे बहुत ज़्यादा। आपका मसल कम होगा मगर फैट बहुत ज़्यादा होगा, और जिस टाइम आप फैट लॉस पे आओगे तो आपका मसल 110% ड्रॉप होगा। मेरे साथ ये गलती हुई थी, मैं जब शुरू में जिम गया था मेरा वेट 87 के करीब था, काफ़ी ज़्यादा वेट था मेरा पहले। तो मुझे जिम के ट्रेनर ने सजेस्ट किया, क्योंकि मैं दिखता ठीक था, मेरा फैट दिखता नहीं था मगर मेरा फैट परसेंट बहुत ज़्यादा हाई था, 25 के आसपास था, तो मैं दिखता बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दिखता ठीक था। तो मेरे ट्रेनर ने मुझे सजेस्ट किया, उस टाइम मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मैं नया जिम में गया था, फर्स्ट डे था मेरा जिम का। तो उस टाइम मुझे ट्रेनर ने सजेस्ट किया कि आप गेनिंग करो, और उसने मुझे गेनर पकड़ा दिया था, एक गेनर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। तो उसने मुझे गेनर पकड़ा दिया था, तो वो गेनर उस टाइम मैंने फैट को और ज़्यादा बढ़ा लिया, मेरे मसल बिल्ड हुए, मैं और ज़्यादा बड़ा दिखने लगा, मतलब मस्कुलर दिखने लगा, मस्कुलर तो नहीं कहूँगा क्योंकि मसल तो दिख नहीं रहते, फैट ही दिख रहा था, तो मैं और ज़्यादा बल्कि दिखने लगा, बल्कि तो दिखने लगा, लेकिन मेरा फैट परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ गया। अब आगे जाके जैसे जैसे मैंने जिम करी, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली, जब मुझे नॉलेज मिली तो फिर मुझे पता चला कि पहले मुझे फ़ैट लॉस करना चाहिए था, तो फिर मैंने फ़ैट लॉस किया। तो अगर मैंने फैट जब मैंने मसल बिल्ड एक बार कर लिया था तो फिर मैंने फ़ैट लॉस किया, तो फिर मेरा जो मसल बिल्ड हुआ था उस टाइम वो फ़ैट लॉस जब मैंने किया तो वो मसल भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, मतलब कि मैं एकदम थिन लगने लगा था, मेरा मसल बिल्कुल नहीं दिख रहा था, मसल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि उस टाइम मैं फ़ैट लॉस की जगह वेट लॉस पे चला गया था, क्योंकि मेरा फ़ैट परसेंटेज ही इतना बढ़ गया था कि उसे ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अब बात आती है कि कितने फैट परसेंटेज पे आपको मसल बिल्डिंग करनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी अगर 9-10% है बॉडी फैट परसेंटेज तो आप मसल बिल्डिंग के लिए ये कर सकते हो, तो आप मसल बिल्डिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी 15% 16% तक
15, 16, 18% तक अगर आपकी 18% तक अगर आपकी फैट परसेंटेज है तो फिर आप मसल बिल्डिंग की जगह फैट लॉस करोगे तो ज़्यादा वे 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 बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप मसल बिल्ड करते हो उस टाइम तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो मसल है वो फैट के अंदर है। आप जिम जाओगे, जिम जाके आपने वेट उठाना है, वेट उठा के आपने मसल को ग्रो करने के लिए उसको उसके ऊपर स्ट्रेस डालना है, वो ग्रो होने की कोशिश करेगा। लेकिन आपकी जो फैट की जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, और अगर वो जो थिक लेयर है वो आपके मसल को बिल्ड ही नहीं होने देगी, वो उसे दबा देगी। आप सोच रहे हो इतनी मोटी आपकी वो है फैट की लेयर, उसके अंदर आपका इतना सा मसल है, और अगर उसको आप ग्रो करने के लिए वो इतना बड़ा होगा तो जो फैट की जो लेयर है वो उसको और दबा देगी, वो उसे ग्रो ही नहीं होने देगी। यही कारण होता है कि अगर एक पर्सन जिम जा रहा है काफ़ी टाइम से और उसका मसल ग्रो नहीं हो रहा, तो उसके पीछे यही कारण होता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आप मस्कुलर नहीं दिख पाओगे कभी भी अगर आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज को नहीं कम करोगे तो आपका अगर बॉडी फैट परसेंटेज 10% या 9% है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मसल बिल्डिंग करें। और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15, 16, 18 तक है तो फिर आप गलत रास्ते जाओगे अगर आप मसल बिल्डिंग करोगे। आपको जाना यहाँ है मगर आप इधर जा रहे हो। तो अगर आपका 18% तक फैट परसेंटेज है तो आप पहले फैट लॉस करें, उसे 10, 11 या 12% तक भी ले आए। मैं सजेस्ट करूंगा वैसे कि आप 10% तक रखें, ताकि आप क्योंकि आप बल्क जब भी गेनिंग करोगे तो आपका थोड़ा बहुत फैट तो गेन होगा, और जब आपका फैट गेन होगा तो आपको फैट लॉस फ्यूचर में करना पड़ेगा ताकि आप जो आपकी जो क्लियरिटी है वो ज़्यादा बेटर दिखे। और अगर आप फैट लॉस करोगे तो आपका मसल लॉस होगा, थोड़ा बहुत तो होता ही है फैट लॉस में, चाहे आप जितना मर्जी प्रोटीन ले लो थोड़ा बहुत मसल तो ड्रॉप होगा ही होगा। तो इसलिए अगर आपका मिनिमम से मिनिमम फैट परसेंटेज हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप गेनिंग करोगे तो गेनिंग में आपका फैट परसेंटेज बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। अगर आप 12% पे चालू करते हो मसल बिल्डिंग, फ्यूचर में जाके आपकी शायद 15% तक हो जाएगी, और अगर आप 10% पे करते हो तो फ्यूचर में जाके वो 13% होगी। तो आपको 2% का फ़र्क पड़ेगा जिससे आपका मसल लॉस कम होगा, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा। बाकी ऐसा नहीं है आप 12% पे भी मसल बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, 15% पे भी कर सकते हो, मतलब मैं बोलूँगा नहीं कि 15% पे करें ताकि मगर आप 12 पे ही करें, या मेरी सजेशन तो यही होगी कि 9 या 10 पे करें। और काफ़ी लोग थिन दिखते हैं लेकिन वो थिन होते नहीं हैं अंदर से, वो उनकी बॉडी की फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले आप अपनी फैट परसेंटेज चेक करें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको बॉडी आपको गेनिंग करनी है, मतलब कि मसल बिल्डिंग करनी है, या फिर फैट लॉस करना है। अगर आपकी 10 या 9% तक है या 12% तक भी है तो आप मसल बिल्डिंग कर सकते हैं, और अगर आपका 16% 18% या 20% तक है फैट परसेंटेज तो आप पहले फैट लॉस करें, उसे 12 या 10% के बीच में लेके आए, उसके बाद आप मसल बिल्डिंग स्टार्ट करें। तो अब बात आती है कि आपको फैट परसेंटेज चेक कैसे करनी है। ये एक फैट कैलिपर आता है, आपको अमेज़ॉन पे दिख जाएगा, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, इस तरीके का दिखता है ये, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 150 या 200 रुपये का ही आता है। तो इसे आपको करना क्या है, आपको इसका एक पिंच चेस्ट के ऊपर लेना है, एक पिंच स्टमक के ऊपर लेना है, और एक पिंच थाई के ऊपर लेना है। अगर आपने लेफ्ट साइड से चेस्ट का मेजरमेंट लिया तो लेफ्ट साइड से ही आप थाई और स्टमक का लेंगे, ठीक है। और अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि आप ट्राइसेप का लीजिए, ट्राइसेप के बाद स्टमक का लीजिए, उसके बाद लेग्स का लीजिए। और इसको लेना कैसे है, जैसे कि मान लीजिए ये है, इसका बॉडी फैट परसेंटेज नापना है, जैसे कि ये लेडीज़ के लिए बता रहा हूँ। तो इसे पहले पिंच करेंगे, पिंच करने के बाद इसे स्क्वीज़ करना है, और जो ये एरो है ना, ये जो एरो है, ये एरो को सेम लाइन में लेके आना है। उसके बाद जो यहाँ पे रीडिंग आएगी, ये जो एरो मूव कर रहा है यहाँ पे जो रीडिंग आएगी
वो रीडिंग को नोट करना है आपको। आपको तीनों लेयर का रीडिंग नोट करनी है, चेस्ट की, स्टमक की, थाई की, या लेडीज़ के लिए ट्राइसेप की, स्टमक की और थाई की आपको रीडिंग नोट करनी है। और तीनों की रीडिंग को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड कर देना है। वो 3 से डिवाइड करने के बाद जो आपका नंबर आएगा वो आपका फैट परसेंटेज होगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना बॉडी का फैट परसेंटेज चेक कर सकते हैं। और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल मसल बिल्डिंग ना करें, आपको फ्यूचर में जाके दिक्कत होगी। अभी तो आप बल्किंग कर लोगे, मगर फ्यूचर में जब आपका फैट परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा कि आप शर्ट में तो अच्छे लगोगे, लेकिन जब भी आप शर्टलेस होते हो, आप शर्टलेस होके कभी कहीं रह नहीं सकते, मतलब आपका फैट इतना बढ़ जाएगा। तो पहले आप फैट लॉस करें, उसके बाद आप मसल बिल्डिंग के लिए जाएं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट नीचे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कोई वीडियो से शिकायत हो या फिर हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।